question है, the balance sheet of X, Y and Z who were sharing profits in proportion to their capitals stood as follows. Date भी दे रखा है और last line है pass necessary journal entries and give the balance sheet after Y's retirement. Y का retirement के बाद आप balance sheet भी दीजिए, journal entry दीजिए. तो revaluation account, capital account rough में बनेगा और goodwill भी है इसमें. Goodwill of the E part, goodwill of the entire firm be fixed at 21,600. तो इसका मतलब goodwill के लिए हमें पूरा working करने पड़ेंगे, हमें gaining ratio निकालना पड़ेगा और इसका entry देने पड़ेंगे. Y retire हो गया ना, XZ to Y goodwill का. तो revaluation account ROP में बनेगा और इसके बाद fair note में balance sheet बना देंगे. ROP में capital account बनाएंगे, capital account से हमें बैलेंस का रेट डाउन मिलेगा और वाइज का जो कैपिटल लोन पेएबल कितना है वो भी निकलेगा. और ये सब बनाने के बाद फेयर नोट लिखेंगे, जर्नल देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे. तो नाउ वी शुड स्टार्ट वर्किंग नोट्स. ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इसमें लिखा है दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. सो फर्स्ट लाइन, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स. तो कैपिटल का प्रोपोर्शन है 45,000, 30,000, 15,000, 3:2:1. एंड वाई रिटायर हो गया तो बाकी एक्स और जेड का शेयर रहेगा 3:1, जो बताया नहीं है. तो सेम रेशियो विल प्रिवेल. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. एक्सेस गेन, न्यू शेयर है 3/4, ओल्ड शेयर है 3/6 इज इक्वल टू सेम 24, 6 3 18 माइनस 4 3 12, दैट इज इक्वल टू 6/24. जेड्स गेन इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 24, 6 1 6 माइनस 4 1 4, दैट इज इक्वल टू 2/24. देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स इज टू जेड इज इक्वल टू 6:2, दैट इज इक्वल टू 3:1. गुडविल इसी रेशियो में शेयर होगा. गुडविल द फार्म आपको दे रखा है ई पार्ट में, तो गुडविल ऑफ द एंटायर फार्म इज फिक्स्ड एट 21,600. पूरे फार्म का गुडविल 21,600 फिक्स हो गया. वाई का शेयर निकालो, वाई शेयर ऑफ गुडविल 21,600 का 2/6 तो आएगा 7,200. ये 7,200 वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए एक्स और जेड गेन कर रहे हैं. तो वाई का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिस पार्टनर को मिलेगा उसको क्रेडिट करेंगे और एक्स विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू वाई और एक्स विल गिव फॉर गुडविल टू वाई और एक्सेस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुडविल टू वाई. 7,200 का 3/4, 3:1 में एक्स और जेड दे देंगे ना, 5,400 एक्स देगा, जेड देगा 1,800. अभी इसका जो है कंडीशन, कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट रिमेनिंग टू रिटायरिंग बेस्ट वर्ड है सैक्रिफाइस गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इसे रफ वर्क है, इसे पर्टिकुलर वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली टी फॉर्मल डू बिकॉज रफ. नाउ राइट डाउन बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आप पढ़ो एक करते जाओ ए पार्ट. आउट ऑफ द इंश्योरेंस व्हिच वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1500 बी क्लेम्ड बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. इंक्रीज इन एसेट, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1500. और डेबिट साइड में बी में लिखो द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300 ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स. डेटर्स का डेटर 10,000 है, 10,000 का 5% 500 है, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 है तो बढ़ेगा 300, 500 के जगह पे हमने 300 लिखा क्योंकि ऑलरेडी 200 है तो प्रोविजन बढ़ गया 300.
See, but the land and building be appreciated by 20%. Land and building last item asset ka 50,000. 20% hota hai 5 to 10. That is 10,000. Increase in asset revaluation ke buy mein. Buy land and building 10,000. Or D part, a provision of 4,000 be made in respect of outstanding repairs bill. Increase in liability to outstanding repairs revaluation ke 2 mein. तो outstanding repairs 4,000 increase in liability revaluation account debited to outstanding repairs. बेटा इसमें दो entry आया, एक credit side से एक debit side से. credit side का entry है unexpired insurance account debited 1500, land and building account debited 10,000 to revaluation account 11,500. और debit side का entry है revaluation account debited 4,300 to provision for doubtful debt 300 to outstanding repairs 4,000. तो दो एंट्री हो गया, अभी प्रॉफिट का और एक एंट्री होगा. क्रेडिट साइड को टोटल करो 11,500 आ रहा है, उसको डेबिट साइड में लिखो 11,500 आ रहा है, उससे 4,300 माइनस करो आ रहा है 7,200. टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड. अभी जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड आया उसको हम क्या करेंगे ना, एक्स और जेड में लिख देंगे. तो x is equal to 7200 का 3/6, 7200 को 3:2:1 में बांटो, x y z 3/6 2/6 1/6, y का x का आएगा 3600, y का 2400, z का 1200. तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, इसका जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 7200 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 3600 टू y कैपिटल अकाउंट 2400 टू z कैपिटल अकाउंट 1200. अभी बैलेंस शीट ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा कैपिटल बैलेंस कहां जाएगा, y का लोन का अमाउंट कहां जाएगा, और x और z का मतलब बैलेंस कैरी डाउन कहां जाएगा. तो नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, x और z का तीनों का फॉर्मेट बना लिया, रुपीस का सिंबल डाल दिया, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 30,000 15,000. नेक्स्ट वन इज गुडविल, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइस जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट. तो वाई में लिखो बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,400 1,800 3:1, और एक्स कैपिटल अकाउंट में लिखो टू वाइस कैपिटल अकाउंट 5,400, वो हो गया कंप्लीट. फिर जेड का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखो अगेन टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,800. हम कंबाइन करके लिख रखे हैं. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600 2400 1200. देन कंप्लीट करो, हमारा रिटायरमेंट हो गया वाई का हो गया 39,600. क्रेडिट साइड का टोटलिंग उसको डेबिट साइड का टोटलिंग में ट्रांसफर करो 39,600, और लिखो टू वाइस लोन अकाउंट, और अमाउंट आया 39,600 वाइस लोन अकाउंट 39,600. जर्नल एंट्री है वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस लोन अकाउंट. अभी एक्स जेड को टोटल करो, टोटल करा 48,600 16,200, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो, दोनों को कर दिया ट्रांसफर. अभी डिफरेंस निकालो टू बैलेंस कैरेट डाउन, और एक्स का आएगा आपके एक्स और जेड का आएगा, दिस इज 43,200 एक्स का कैपिटल एंड जेड का 14,400. अभी यही जो तीनों अमाउंट आया वाई का लोन और एक्स जेड का बैलेंस कैरेट डाउन, इसी को लेकर बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट जर्नल एंट्री भी देंगे फेयर नोट में. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ और डेट लिखो अप्रैल 1, ईयर लिखो, और पहला एंट्री गुडविल के लिए दे दो. एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5400, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1800 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 7200, बीइंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ वाई. 21,600 का वाई का आया 2/6 7,200, एक्स और जेड का गेनिंग शेयर है 3:1 में, इसको डेबिट कर दिया एक्स जेड टू वाई. नेक्स्ट एंट्री आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 4,300
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 300, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट 4000. बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू इवैल्यूएशन अकाउंट. देन रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का एक एंट्री होगा. देर आर टू पार्टनर्स दैट इज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 1500, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 10000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11500. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इसमें वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नहीं, दोनों है वैल्यू ऑफ एसेट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. इसको रेक्टिफाई कर दें तो बहुत अच्छा होगा. तो नरेशन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओनली ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट वॉज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन नेक्स्ट वन इज योर सेकेंड लास्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 7200 प्रॉफिट आ गया हमारा. टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट 3:2:1, 3600, 2600, 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
retirement transferred to old partners' capital accounts in old profit sharing ratio. और लास्ट एंट्री है जो जो वाई रिटायर कर रहा है उसका जो लोन अकाउंट का जो बैलेंस आया उसको ट्रांसफर करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, दैट इज वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 39,600 टू वाइज लोन अकाउंट 39,600 बीइंग फाइनल अमाउंट पेएबल टू जे एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम टोटल कर दो, दैट इज कमिंग 69,800 बोथ द कॉलम्स. और हमारा रह गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओ. बैलेंस शीट आज एट 1 अप्रैल 2000 करके डाल के आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई करो और फॉर्मेट बनाओ एसेट साइड से स्टार्ट. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा बढ़ रखा है ए पार्ट का एडजस्टमेंट में हम लिखेंगे. और कैश एट बैंक 11,000 नो चेंज. डेटर्स 10,000 जो न्यू प्रोविजन वो 500 है, 200 था 300 बढ़ा या 5% बनाया 500. फाइनल कॉलम में लिखेंगे 9,500. नेक्स्ट वन इज स्टॉक 16,000, क्योंकि स्टॉक के बारे में कुछ बताया नहीं है. और प्लांट एंड मशीनरी 17,000 आज इट इज. लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ा था, 60,000 बन जा 50,000 प्लस 10,000 60,000, टोटल हो गया 1,15,000 एसेट साइड का टोटलिंग. गो बैक टू द लायबिलिटी साइड, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,800, देन आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 4,000. लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 4,000. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट्स में एक्स और जेड 43,200 और जेड का आएगा 14,400, दोनों का टोटलिंग होगा 57,600. और जो रिटायर हो गया उसका लोन अकाउंट को अमाउंट जा रखा है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे. वाइस लोन अकाउंट 39,600 वाइस लोन अकाउंट. अभी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल कर देंगे 1,15,000. बोथ दी साइड्स आर टैलिंग.